Hello, friends, how are you? I hope you all are absolutely fine and you must be enjoying yourselves. Friends, in today's video, we are going to write an interesting story through translation. So, today's video is going to be very interesting and knowledgeable. Please watch it till the very end. And if you are new to my channel, please subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates. Before starting today's lesson, let's learn some English words. दोस्तों आप लोगों ने जेलस वर्ड सुना होगा जेलस यानी कि ईर्ष्या जलन दोस्तों इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है और काफी इंटरेस्टिंग है एनवियस एनवियस और दोनों वर्ड्स के बाद ऑफ का यूज करते हैं ऑफ एनवियस ऑफ जेलस ऑफ जैसे मान लीजिए ही इज एनवियस ऑफ मी या फिर ऑफ माई सक्सेस ही इज एनवियस ऑफ माई सक्सेस या फिर ही इज जेलस ऑफ मी और दोस्तों एनबियस envious से एनवियसली भी हो सकता है जैसे मुझे जलन की भावना से मत देखो डोंट लुक एट मी एनवियसली काफी इंपोर्टेंट वर्ड है दोस्तों याद रखेंगे एनवियस दोस्तों यहां पर एक वर्ड है आलसी इसका सिंपल वर्ड है दोस्तों लेजी आप आइडल भी कह सकते हैं आइडल आप लेथार्जिक भी कह सकते हैं लेथार्जिक और जो थोड़ा स्लो है आलसी है उसे स्लगिस भी कह सकते हैं स्लगिस और दोस्तों टॉरपीड भी कहा जाता है टॉरपीट तो दोस्तों इसमें से लेजी आइडल और लेथार्जी काफी इंपोर्टेंट वर्ड्स है सभी वर्ड्स इंपोर्टेंट है एक महिला ने एक बार अपने आलसी पति से कहा कि चने उगाने से सोना मिलेगा तो दोस्तों यह किस टेंस में है यहां पर क्या है सिंपल पास टेंस यानी कि कहा मैंने कहा आई सेड वर्ब टू यूज करेंगे अब दोस्तों यहां पर है सोना मिलेगा यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस जैसे मुझे एक किताब मिलेगा आई विल गेट अ बुक तो दोस्तों इसमें सेलविल लगता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर विल को वुड में बदलना पड़ेगा जैसे दोस्तों यहां पर क्या है की से जुड़ा हुआ है और की से पहले पास्ट है तो की के बाद भी पास्ट फॉर्म ही होगा जैसे एक महिला ने एक बार अपने आलसी पति से कहा तो यहां पर लिखेंगे अ वुमन वंस सेड एक बार कहा अपने आलसी पति से टू हर लेजी हस्बैंड यहां पर की के लिए दैट यूज करेंगे दैट चने उगाने से यानी कि ग्रोइंग चिकपीज चिकपी का अर्थ होता है चना ग्रोइंग चिकपीज यानी कि दोस्तों यहां पर यह सब्जेक्ट है यानी चने उगाने से उसे सोना मिलेगा यानी कि ग्रोइंग चिकपीज उसे सोना देगा एक तरह से यहां पर ग्रोइंग चिकपीज ही सब्जेक्ट है तो यहां पर विल यूज होना चाहिए लेकिन दैट से पहले यहां पर पास्ट है तो यहां पर वुड यूज करेंगे वुड ब्रिंग यानी कि देगा यानी कि लाएगा मिलेगा वुड गेट हिम भी आप लिख सकते हैं तो यहां पर लिखेंगे वुड ब्रिंग गोल्ड या फिर वुड गेट हिम उसे देगा या उसे मिलेगा गोल्ड A woman once said to her lazy husband that growing chickpeas would bring gold. समय आने पर उसने देखा कि केवल चने के पौधे ही निकल रहे हैं सोना नहीं तो दोस्तों यहां पर है समय आने पर यानी कि जब समय आया आप इस तरीके से लिख सकते हैं When the time came, उसने देखा यानी कि सिंपल पास्ट टेंस ही सॉ दैट केवल चने के पौधे ही निकल रहे हैं निकलना यानी कि कम आउट केवल यानी कि ओनली तो यहां पर लिखेंगे ही सॉ दैट ओनली द चिक पीज प्लांट्स अब दोस्तों यहां पर निकल रहे हैं आर कमिंग आउट होना चाहिए लेकिन दोस्तों यहां पर दैट से जुड़ा हुआ है और यहां पर पास्ट फॉर्म है तो यहां पर वर यूज करेंगे वर कमिंग आउट यहां पर आप बट का यूज कर सकते हैं बट नो गोल्ड व्हेन द टाइम केम ही सॉ दैट ओनली द चिक प्लांट्स वर कमिंग आउट बट नो गोल्ड वह अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहा आपने कहा था कि सोना निकलेगा लेकिन यह तो केवल चना है वह अपनी पत्नी के पास गया यानी कि ही वेंट टू हिज वाइफ और उससे कहा एंड सेड टू हर आपने कहा था कि सोना निकलेगा सेड दैट गोल्ड सोना निकलेगा गोल्ड व्हील कम आउट होना चाहिए लेकिन यहां पर दैट से पहले पास्ट है तो व्हील को वुड में बदल देंगे गोल्ड वुड कम आउट लेकिन यह तो केवल चना है

तो यहां पर लिखेंगे द वाइफ देन सेड इस बार मैं तुम्हें उगाने के लिए गेहूं दूंगी तो दोस्तों यह इन्वर्टेड कुमाच के अंदर है यानी कि जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा इसमें टेंस नहीं बदलता है इस बार यानी कि दिस टाइम मैं तुम्हें उगाने के लिए गेहूं दूंगी आई विल गिव यू विथ उगाने के लिए टू ग्रो द वाइफ देन सेड दिस टाइम आई विल गिव यू विथ टू ग्रो तब निश्चित रूप से सोना उगेगा तो यहां पर है तब निश्चित रूप से आप लिख सकते हैं देन फोर श्योर सोना उगेगा गोल्ड विल ग्रो श्योर गोल्ड विल ग्रो वह आदमी मान गया मानना यानी कि राजी हो जाना यानी कि अग्री इसे दोस्तों अग्री पढ़ते हैं वह आदमी मान गया द मैन अग्रीड और जाकर अपने खेत में गेहूं बो दिया एंड दोस्तों जाकर इस तरह रहने से एंड का यूज करते हैं वेंट एंड बोना का सौ होता है तो सौड हो जाएगा सौड वेट इन हिज फील्ड मैन अग्रीड एंड वेंट एंड सॉउड विट इन हिज फील्ड जैसे दोस्तों एक सेंटेंस लेते हैं वह खाकर खेत गया तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप इस सेंटेंस को एंड लगाकर भी बना सकते हैं जैसे ही एट एंड वेंट टू हिज फील्ड He ate and went to his field. तो इस तरीके से एंड का भी यूज कर लेते हैं हालांकि आप आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं मैन अग्रीड एंड वेट एंड सॉड विट इन हिज फील्ड समय आने पर चारों ओर गेहूं की सुनहरी फसल हुई समय आने पर यानी कि वेन द टाइम केम वेन द टाइम केम चारों ओर गेहूं की सुनहरी फसल हुई आप देयर से भी लिख सकते हैं देयर वॉज अ गोल्डन हार्वेस्ट ऑफ वीट चारों तरफ यानी सभी जगह एवरी वेयर का आप यूज कर सकते हैं everywhere. When the time came, there was a golden harvest of wheat everywhere. वह आदमी अपनी पत्नी के पास गया और बोला वह आदमी यानी कि द मैन वेन टू हिज वाइफ एंड सेट टू हर तुमने मुझे फिर मूर्ख बनाया यू फूल्ड मी अगेन सोना नहीं है केवल गेहूं है तो दोस्तों सोना नहीं है यानी कि यहां पर देयर लगाना ही पड़ेगा देर इज नो गोल्ड केवल गेहूं है बट द वीट दोस्तों केवल के सेंस में भी बट का यूज होता है द मैन वेन टू हिज वाइफ एंड सेट टू हर यू फूल्ड मी अगेन देर इज नो गोल्ड बट दिट पत्नी अपने पति को सबक सिखाना चाहती थी दोस्तों यह किस टेंस में सिंपल पास टेंस जैसे मैं जाना चाहता था I wanted to go. तो यहां पर है पत्नी अपने पति को सबक सिखाना चाहती थी सबक सिखाना यानी कि टीच अ लेसन तो यहां पर लिखेंगे द वाइफ wanted टू टीच अ लेसन टू हर हस्बैंड क्योंकि वह आलसी आदमी था बिकॉज ही लेजी मैन दोस्तों क्योंकि या चूकी के लिए आप सिंस का भी यूज कर सकते हैं चूंकि वह आलसी था सिंस ही वॉज अ लेजी मैन उसने उससे कहा यानी कि पत्नी ने पति से कहा तो यहां पर लिखेंगे सी सेड टू हिम जो गेहूं आप देखते हैं द वीट यू सी इज द गोल्ड रंग देखें सी द कलर यह बहुत सुंदर है इट इज वेरी ब्यूटिफुलट यू सी इज द गोल्ड सी द कलर इट इज वेरी ब्यूटिफुल क्या वे सोने की तरह नहीं दिखते तो दोस्तों यह एक तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में है यहां पर डू डच का यूज करेंगे तो यहां पर लिखेंगे डोंट डोंट दे look like gold, don't they look like gold? इस स्टोरी से हमें नैतिक शिक्षा क्या मिलती है मॉरल क्या है हमें आलसी नहीं होना चाहिए We should not be lazy. कड़ी मेहनत करें Do hard work. या फिर वर्क हार्ड और पुरस्कृत किए जाओगे एंड यू विल बी रिवॉर्डेड दोस्तों यह पेसी वॉइस में है इसलिए विल बी प्लस वर्ब थ्री यूज करेंगे वी शुड नॉट बी लेजी डू हार्ड वर्क एंड यू विल बी रिवॉर्डेड

The man agreed and went and sowed wheat in his field. When the time came, there was a golden harvest of wheat everywhere. The man went to his wife and said to her, "You fooled me again. There is no gold, but the wheat." The wife wanted to teach a lesson to her husband because he was a lazy man. She said to him, "The wheat you see is the gold. See the color, it is very beautiful. Don't they look like gold?"